राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। एक समय की बात है, एक गांव में एक संत आते हैं और भागवत कथा सुनाते हैं। तभी उनकी भागवत कथा सुनने तीन बुजुर्ग महिलाएं सफेद साड़ी में आती हैं। तभी वहां बैठे कुछ युवक उनको देखते हैं और कहते हैं, यह महिलाएं कौन हैं, पहचान में नहीं आ रही है। फिर कथा समाप्ति के बाद वह उनका पीछा करते हैं और पीछा करते करते वह महिलाएं घन घोर जंगल में जाती है। आगे नदी में जाकर डुबकी लगा लेती है तो वह युवक उनके निकलने का इंतजार करते हैं, पर वह नहीं निकलती है तो वह सोचते हैं कि शायद वे पानी में डूब गई। अगले दिन फिर वह महिला कथा सुनने आती है, तभी वह युवक उनको देखकर अचंभित हो जाते हैं और कथा समाप्ति के बाद फिर उनका पीछा करते हैं। जब वे महिलाएं नदी में डुबकी लगाने वाली होती है तो वे उनके पैर पकड़ लेते हैं और पूछते हैं, आप कौन हैं? तो वह बोलती है, मैं गंगा हूं, ये गोदावरी और यह यमुना है। तो युवक बोलता है, आप तो देवी है, आपको कथा सुनने की क्या जरूरत है? तभी तीनों देवियां बोलती हैं कि संसार के सारे लोग स्नान करके अपने पाप मिटाते हैं और अपने सारे पाप हमारे भीतर डाल देते हैं। हम उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए संतों के चरणों में बैठकर कथा सुनकर करते हैं। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।